बालाघाट जिले के आदिवासी अंचलों में संचालित शासकीय भवनों के हालात की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते देखरेख और सुरक्षा के अभाव में कई शासकीय संस्थान व सरकारी भवन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, जिनको लेकर जिम्मेदार भी कभी सुध नहीं लेते। हाल ही में एक सरकारी स्कूल की तस्वीर हमारे न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हुई, जहाँ मुर्गियों ने अपना डेरा बना लिया है और कुर्सी पर अंडे दे दिए हैं। आपको बता दें कि तस्वीर किरनापुर विकास खंड के वनांचल गांव सीतापार में संचालित प्राथमिक शाला भवन की है, जहां इन दिनों ग्रीष्म अवकाश के चलते ताला लगा हुआ है, लेकिन लोगों ने स्कूल भवन को ही अपना मुर्गी पालन केंद्र बना दिया और मुर्गियों ने भी स्कूल भवन के अंदर घुसकर अपना डेरा जमा लिया है। वहीं शिक्षक शिक्षिकाओं के बैठने की कुर्सी पर मुर्गी ने आधा दर्जन से अधिक अंडे भी दे दिए हैं। तस्वीर को हमारे न्यूज चैनल ने अपने कैमरे में कैद किया। सरकारी संस्थाओं के ऐसे हालात देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार शाला प्रबंधन अपने ही स्कूल भवन की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।